क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने कुछ बोला या कोई इंसिडेंट हुआ और उसमें आपका रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन था? आपने बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया, कुछ चीज़ें तोड़फोड़ कर दी, या फिर कभी ऐसा हुआ है कि जहाँ आपको खुश और एक्साइटेड फील होना चाहिए वहाँ पे आप नम फील करते हैं, अंदर से एकदम डेड फील करते हैं? अगर ऐसा आपके साथ फ्रीक्वेंटली होता है तो ऐसा पॉसिबल है कि ये सारे साइंस चाइल्डहुड ट्रॉमा के हैं। ये सब आपके साथ इसलिए हो रहा है कि क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी, आपका ब्रेन चाइल्डहुड की मेमोरीज, वो ट्रॉमेटिक मेमोरीज को होल्ड करके रखे हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में चाइल्डहुड ट्रॉमा को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम उसे मैनेज बेटर कैसे कर सकते हैं और हमें कब प्रोफेशनल हेल्प सीक करने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। चाइल्डहुड ट्रॉमा की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें ट्रॉमा के अंदर आती हैं, स्पेशली फॉर अ चाइल्ड। ऐसा हो सकता है कि कोई अब्यूज़ का मामला हो, फिज़िकल या इमोशनल अब्यूज़, या फिर आप नेग्लेक्ट किए गए हों अपने घर में अपने केयर टेकर के द्वारा व्हेन यू वर लिटिल, या फिर आपने किसी क्लोज वन की डेथ एक्सपीरियंस की बहुत अर्ली इन योर लाइफ, और आपने नेचुरल डिज़ास्टर एक्सपीरियंस किया जिसने आपको बहुत ही दहला दिया अंदर से। ये सारी चीज़ें एक बच्चे के दिमाग के लिए प्रोसेस कर पाना इन अ हेल्दी वे पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हमारी फिज़िकल बॉडी कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा की मेमोरी को लेके पकड़ के बैठी रहती है। और ऐसा जब होता है हमारे साथ तो वही सारे साइंस एज एन एडल्ट हमारे बॉडी में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर की तरह मैनिफेस्ट होते हैं। अभी आप खुद से एक बात पूछिए, क्या आपके सारे मसल्स रिलैक्स्ड हैं या फिर कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में टेंशन फील हो रही है? तो वो टेंशन भी किसी ना किसी पास्ट स्ट्रेस का साइन होता है। जब आप फिजिकली टेंस होते हैं, आपकी बैक, आपके शोल्डर्स, आपके लेग्स, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही आज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपकी बॉडी आपके ट्रॉमास का स्कोर रखती है। इन सब ट्रॉमा की जो मेमोरी होती है वो हमारी एडल्टहुड में बाहर आती है। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नेग्लेक्ट किए गए थे अपने बचपन में तो ऐसा हो सकता है कि अब आपने बहुत अलग अलग नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स बना रखे हों। या तो आप कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं दुनिया से, या फिर किसी एक इंसान पे कम्प्लीटली इमोशनली डिपेंडेंट। और अगर ऐसा है कि आपके घर में, ऐसे घर में आप बड़े हुए जहाँ पे लोग लड़ाई करते रहते थे, झगड़े करते रहते थे रोज़ रोज़, तो आप एक हाइपर विजिलेंट स्टेट में बड़े हुए हैं। आप हर समय आसपास ना चाहते हुए भी एक विजिलेंस मेंटेन करके रहते हैं, एक ऐसी आपकी बॉडी एंग्शियस रहती है कि कब क्या हो सकता है आपके आसपास। लेकिन सही बात तो ये है कि हम इन सब चीज़ों को अनलर्न कर सकते हैं। हम अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को एज एन एडल्ट एड्रेस कर सकते हैं अगर हम उसे समझ पाएँ तो। तो एज एन एडल्ट आपको अगर अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से हील करना है तो सबसे पहला स्टेप है अपने नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना। आप हो सकता है लोगों से बहुत जल्दी कट जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, या ऐसा हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा, क्योंकि बचपन में आपके ट्रस्टेड लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया था। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप अपने घर से बाहर दूसरों में वो इमोशनल डिपेंडेंसी, वो लव ढूंढते रहते हैं और आपको वो मिल नहीं पाता। तो आपके वो नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न्स को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आसान हो जाएगा ट्रेस बैक करना कि ये कहाँ से आता है, कौन सी नीड है आपकी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो आपका ये नेगेटिव बिहेवियर आज एड्रेस कर रहा है। वो नीड जब ये आपको समझ में आ जाएगी उस पर काम करना और आसान हो जाएगा। आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न्स क्या हैं, तो दूसरा स्टेप है प्रोफेशनल हेल्प सीक करना। एंड
आई हाईली रिकमेंड कि हम सबको एक ना एक बार लाइफ में थेरेपी या कोचिंग लेनी चाहिए, किसी प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए ताकि हम समझ सकें अपने आप को बेहतर और अपने पैटर्न्स चेंज कर सकें ताकि हमारी एडल्ट लाइफ और इम्प्रूव हो सके। तो आप जा सकते हैं किसी थेरेपिस्ट के पास, किसी लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर जो या तो साइकोलॉजिस्ट है या साइकाइट्रिस्ट है, या फिर अगर आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं तो आप किसी लाइफ कोच के पास जा सकते हैं और वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है, एक प्रॉपर सर्टिफाइड लाइसेंस्ड लाइफ कोच को ऐसा लगता है कि आपको कोचिंग से ज़्यादा थेरेपी की ज़रूरत है, तो वो आपको बता देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोफेशनल हेल्प सीख करना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन हमारे इमोशनल मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही हो, हमें हमारी रिलेशनशिप्स होल्ड करने में हमें दिक्कत आ रही हो। तीसरा स्टेप है अपने आप को और अवेयर करना वो टूल्स और ट्रिक्स एंड टिप्स से जिससे हम अपने आप के ब्रेन को, अपने माइंड को हील कर सकते हैं। तो जितना हो सके किताबें पढ़िए अबाउट हीलिंग ट्रॉमा, अबाउट अंडरस्टैंडिंग ट्रॉमा। कुछ किताबें हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, जो हेल्प करती हैं लोगों को समझने में उनके चाइल्डहुड और यंग एडल्ट लाइफ के ट्रॉमास को और उससे बाहर निकलने में। एक बुक ऐसी है जिसका नाम है द बॉडी कीप्स स्कोर, वो आप पढ़ सकते हैं। एक और बुक है हीलिंग इज़ द न्यू हाई। और भी ऐसी कई सारी बुक्स हैं जो मैंने भी पढ़ी हैं और जो आप भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको अपने खुद के ट्रॉमा और दूसरों के ट्रॉमास को समझने में हेल्प मिलेगी। वो सारी बुक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन लिंक्स के साथ लिंक कर दूंगी, आप उन्हें जाके परचेज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट या फोर्थ स्टेप है हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना। एक चीज़ जो चाइल्डहुड ट्रॉमा हमसे छीन लेती है वो है हमारी बाउंड्री सेट करने की एबिलिटी। मतलब हम हर किसी को बहुत आसानी से हाँ बोलते रहते हैं ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट हमें ना झेलना पड़े या फिर वो लोग हमसे नाराज़ ना हो जाए। इस डर से हम हर बार हाँ बोल देते हैं ऐसी चीज़ों को भी जो हमें हमारे इमोशनल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं नेगेटिवली। इसीलिए आपको लोगों को बिना गिल्ट के ना बोल पाना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक पे सेपरेटली मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू सेट बाउंड्रीज, उसे मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, उसे ज़रूर देखिएगा। फिफ्थ स्टेप है लर्निंग टू कम्युनिकेट इन अ हेल्दी मैनर। एक और चीज़ जो चाइल्डहुड ट्रॉमा और इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज़ हमसे छीन लेता है बचपन में, वो है हमारी हेल्दी कम्युनिकेशन की आदत। हम डरने लग जाते हैं लोगों से अपने एक्चुअल फीलिंग्स और अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस कर पाना। इसीलिए हेल्दी कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई ना कोई ऐसे आसपास ट्रस्टेड लोग ढूंढने पड़ेंगे जिनके साथ छोटे छोटे स्टेप्स में आप सीख सकें कैसे आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने पेन्स को शेयर कर पाएं। एंड फाइनली सिक्स्थ स्टेप इन हीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्डहुड ट्रॉमा इज़ प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर। आपको अपनी सेल्फ को, खुद को वो लव देना पड़ेगा जो शायद आपको नहीं मिला और नहीं मिल रहा अभी भी। अपने आप की वो केयर करनी पड़ेगी जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेल्फ केयर में बहुत सिंपल फिजिकल चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग इनफ वाटर, डूइंग योगा, डूइंग स्किन केयर, और कई सारी ऐसे मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल चीज़ें भी आती हैं, जैसे मेडिटेशंस, गाइडेड मेडिटेशंस, साउंड हीलिंग, जर्नलिंग, टॉकिंग टू अ फ्रेंड, टेकिंग नेचर वॉक्स। जो भी आपको सेल्फ केयर एक्टिविटी बेटर फील कराती है, आपको अपने मन में पीस और काम और शांति देती है, वो ज़रूर कोशिश करें करने की जितना फ्रीक्वेंटली हो सके आपसे। जब भी चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात आती है तो एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। हम शायद अपना पास्ट ना बदल पाएं कभी, लेकिन हम अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट बदल सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमारे ट्रॉमा मेमोरीज़ पे, ट्रॉमा इफ़ेक्ट पे काम कर पाना और आगे बढ़ते हुए बेटर ह्यूमन बन पाना खुद के लिए, किसी और के लिए ज़रूरत भी नहीं है।
क्योंकि जैसे ही आप अपनी रिलेशनशिप खुद के साथ बेटर करेंगे, आपकी रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ भी बेटर होगी, आपकी लाइफ भी मोर पॉजिटिव एंड स्ट्रेस फ्री होगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो आज मैंने डिस्कस किए उन पे ध्यान ज़रूर दें और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। जो भी अगर आपको मेरे साथ शेयर करना है, इफ़ यू वॉन्ट समबडी टू जस्ट लिसन टू यू, तो प्लीज़ ड्रॉप मी अ DM ऑन Instagram या फिर मुझे कमेंट्स में बताएं और हम कन्वर्स कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं अपने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास की और एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। I will see you in the next video.